हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो त्योहारों के मज़े लिए जा रहे हैं सब लोग, खूब एंजॉय कर रहे होंगे। और आज तो संडे है, संडे छुट्टी का दिन है। सभी फैमिली वाले लगभग घर पे होते हैं, बच्चे घर पे होते हैं, तो आज कुछ खास बन रहा होता है। तो आज मैं बनाऊंगी कुछ खास जो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है और जो खाने में इतनी टेस्टी, इतनी ज़बरदस्त बनती है। और जो है देसी खाना पंजाबी का। और मैं सोच रही हूँ तो बात करते करते भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जो इतनी टेस्टी होती है, बहुत सादी सिंपल देसी तरीके से बनाई जाती है और खाने में इतनी टेस्टी लगती है, इतनी टेस्टी लगती है। पंजाबी लोग अक्सर ये बनाते हैं, आप लोग बनाते हैं कि नहीं, तो ये कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि ये सब्ज़ी आपको कैसी लगती है। तो मैं आपको बना के बताऊंगी और बहुत कम सामान में, बहुत ही कम समय में बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है। और वो बनाने से कई लोगों को उसकी स्मेल बहुत अच्छी नहीं लगती है, पर वो खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि आप खाते जाएंगे पर आपका मन नहीं भरेगा, इतनी टेस्टी होती है। बनाने से पहले ही अभी मैं सिर्फ तैयारी करके आई हूँ आप लोग के लिए, बनाने के लिए, और मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मैं सोच रही हूँ जब झटपट से बने, फटाफट मैं रोटी बनाऊँ और मैं फट से खा लूँ। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं वो बनाने के लिए, क्योंकि सीज़न के हिसाब से नई नई आने स्टार्ट हुई है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज तो खाना खाने में। तो मैं आपको बना के बताती हूँ कि वो क्या है और कैसे बनती है। बहुत आसान, बहुत कम समय में और बहुत ही कम चीज़ों में बनती है। तो चलिए फिर चलते हैं किचन की तरफ और आते हैं रेसिपी स्टार्ट करने के लिए। तो आपको मैं दिखा दूं मैं खाने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कि जिसके लिए मैं पहले तैयारी कर रही हूँ कि मैं उसके साथ क्या खाने वाली हूँ। मैं उसके साथ में खाने लगूँ, देसी स्टाइल खाना है, बहुत सिंपल है। तो मैं उसके साथ खाने वाली हूँ देसी स्टाइल काट के प्याज, साथ में लूँगी हरी मिर्ची जिसको हम बीच में से करेंगे कट। देखिए कट कर दिया है हमने, और इसमें हम लगा देंगे थोड़ा सा नमक। इस तरीके से आप खाना खाने में मिर्ची साथ में खाएंगे तो बहुत मस्त लगती है। और नमक लगाने से अगर वो मिर्ची तीखी है तो कड़वाहट भी निकल जाती है और खाने में उसका डबल टेस्ट आता है। ये सब्जी जो है बहुत ही जल्दी बन जाती है। और साथ में मैं लूंगी जो मेरी रात की बची है गुजराती कढ़ी। मैं वैसे गुजराती कम पसंद करती हूँ क्योंकि मीठी होती है, पर आज मैं खाऊंगी फिर भी। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ सब्जी और आपको बताती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। साथ में सब्जी रखेंगे और साथ में हम तैयारी कर लेंगे रोटी बनाने की। तो ये है आज की देसी सब्जी पंजाबियों की, जो है मूली, जिसको मैंने छील के साफ करके कद्दूकस कर लिया है। और इसमें ली है मैंने खूब सारी हरी मिर्च। तो इसका टेस्ट हरी मिर्च से ही बहुत अच्छा आता है, और जब ये बीच में पक जाती है तो इसका तीखापन कम हो जाता है। अगर आप लोग हरी मिर्च पसंद नहीं करते हैं तो आप लाल डाल सकते हैं, जबकि इसमें लाल मिर्ची कम जाती है और हरी मिर्च का ही फ्लेवर इसमें ज्यादा अच्छा आता है। अब देसी स्टाइल है तो इसका टेस्ट कैसे ज्यादा और बढ़ता है वो मैं आपको बताऊंगी। इसको हम बनाएंगे सरसों के तेल में, तेल हमने गरम होने रख दिया है। देखिए तेल हमारा गरम हो रहा है। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप लोग ने कभी नहीं खाई है तो एक बार बना के जरूर मेरे तरीके से ट्राई करिएगा। बहुत सिंपल, बहुत आसान और बहुत ही मस्त होती है और बहुत हेल्दी होती है।
क्योंकि मूली हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है और सरसों का तेल भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। तो चलिए इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा जीरा, पहले नमक डाल देंगे ताकि सरसों के तेल की जो है एक्स्ट्रा कड़वाहट जो है निकल जाए। तो इसलिए सबसे पहले सरसों के तेल में नमक डालते हैं, साथ में डालूंगी थोड़ी सी हींग, अब डालेंगे हम इसमें हमारी कद्दूकस की हुई मूली और साथ में डाल देंगे हरी मिर्ची। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और इतनी टेस्टी कि आप रोटी खाते जाएंगे गर्मा गर्म और आपका पेट नहीं भरेगा, आपका मन नहीं भरेगा। गैस को मैंने थोड़ा स्लो कर दिया है। अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी अजवाइन, अजवाइन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। साथ में डालेंगे नमक स्वादानुसार और डालेंगे हल्दी और डालूंगी बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च। वैसे इसमें लाल मिर्च ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी सी मैंने डाली है और इसको अच्छे से मिला देंगे। ये पंजाबी स्टाइल में मूली की सब्जी इतनी अच्छी बनती है, इतनी अच्छी बनती है, मुझे तो ये बहुत पसंद है और मेरे बेटों को भी बहुत पसंद है। वो भी जब भी ये सब्जी बनाओ तो घर में घुसते ही बोलेंगे, मम्मी बस हमको सिर्फ खाना दे दो जल्दी जल्दी, बाकी काम सब बाद में, पहले खाना दे दो। तो चलिए अच्छे से मिला लिया है हमने, इसमें और कुछ भी नहीं डालना है। अब हम इसको थोड़ा स्लो मीडियम गैस पे थोड़ा मीडियम कर देती हूँ, मैंने स्लो कर दिया था मसाले डाल के। अब हम इसको ढक के 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे और हमारी सब्जी हो जाएगी रेडी। तब तक मैं रोटी की तैयारी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए सब्जी मैंने दूसरे गैस पे रख दी है और इधर मैंने रखी है कड़ी गर्म होने के लिए। अब मैं बना देती हूँ रोटी। अगर आपको भी ऐसी ये सब्जी पसंद आती है, आपने कभी खाई है तो मुंह में पानी आपके भी आ रहा होगा। तो जल्दी जल्दी से रोटी बना लेते हैं फटाफट। एक तरफ करेंगे बेटे का टिफिन पैक और दूसरी तरफ अपनी थाली लगाएंगे। देखिए पहली रोटी हमारी बन गई है और ये जो जाएगी सिर्फ गाय के नाम, और पहली रोटी जो गाय के नाम आप डालेंगे तवे में, सबसे पहले आप घी लगाएं उसके बाद रोटी डालें। सूखे तवे में रोटी नहीं डालें गाय की। ये गाय के नाम के अलग कर देते हैं और झटपट से बना लेते हैं। क्या आप भी मेरे साथ खाना खाना चाहेंगे? गर्मा गर्म रोटी, मूली की सब्जी, गुजराती कढ़ी और बॉइल्ड राइस, तो आप आ सकते हैं, वेलकम है आप सभी लोगों का। साथ साथ इधर हम अपनी सब्जी चेक कर लेते हैं जो हमने रखी हुई है। कहते हैं फूली फूली रोटी बने मतलब बहुत जोर से भूख लग रही है, तो मुझे तो लग रही है, आपको लग रही है कि नहीं वो तो आप बता सकते हैं। तो झटपट से फुलके बना लेते हैं सारे, साथ साथ हमारी सब्जी बन के तैयार हो जाएगी, फिर मैं आपको आज पूरी वीडियो बताऊंगी खा के भी और लाऊंगी आपके मुंह में पानी, कैसी सब्जी लगी है, खाना कैसा लगा है आप भी बताएं। तो देखिए
सब्जी हो गई है हमारी रेडी। अभी मेरे गिनती के 4 फुलके बने हैं और हमारी सब्जी पक के तैयार है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। अब करते हैं इसको बंद और जब तक पूरी रोटी बना लेते हैं बाकी। तो चलिए दोस्तों, खाना हमने लगा लिया है, टिफ़िन भी बच्चे का पैक कर दिया है और साथ में जैकी का भी खाना डाल दिया है। अब मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए अपना देसी खाना दिखाने। तो अब हम खाएंगे गर्मा गर्म रोटी, मूली की सब्जी और एंजॉय करेंगे। देसी खाना बहुत ही टेस्टी। गुजराती कढ़ी मैं कम खाती हूँ, बहुत कम, क्योंकि मुझे मीठे का टेस्ट पसंद नहीं आता है, पर कभी कभी चलता है। और ये जो है मेरी फेवरेट, बहुत टेस्टी। आपके सामने मैंने कितनी सारी हरी मिर्ची डाली थी, सारा मिर्ची का तीखापन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि आपने देखा मैंने लाल मिर्ची बहुत कम डाली है और सब्ज़ी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और देसी खाना हो साथ में प्याज और हरी मिर्च ना हो तो कोई मज़ा नहीं। इससे भूख मेरी इतनी बढ़ गई थी कि आज मैंने एक फुलका एक्स्ट्रा लिया है और 3 फुलके प्लेट में नहीं रखते, इसलिए एक फुलके को 20 से आधा आधा कर लिया था ताकि वो गिनती में 3 ना आके 4 आए। तो इसलिए आप भी कभी भी थाली में 3 फुलके ना रखें, अगर आप 3 रखते हैं तो एक को आधा आधा कर लें ताकि उस वो गिनती में 4 आए। तो करिए आप भी इंजॉय। बाबू खाना नहीं खाना, जैकी खाना खाओ बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप भी ज़रूर बना के ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस सब्ज़ी कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करिए, शेयर करिए और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलेंगे फिर अगली रेसिपी के साथ किसी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए करते हैं बाय बाय।